हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत, कहानी सुनाता हूँ। आज पहली बार इस चैनल पे मैं आपके साथ में इस तरह रूबरू मुखातिब हुआ हूँ। उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों तक गायब रहा। इस चैनल पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। आप लोग कमेंट करते रहते थे कि भाई हाँ, ये वाला वीडियो तो अच्छा लगा, पर इसके आगे के और ऑडियो बुक्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और कई बार मैंने रिप्लाई किया, कई बार नहीं किया, और जब रिप्लाई किया भी तो बहुत देर से किया, ठीक है। और कई लोग तो मतलब मुझे करते रहे कि आपने तो कहा था कि आप करोगे पर आपने नहीं किया, आपने तो कहा था कि आप वीडियो डालोगे पर आपने नहीं अपलोड किया अभी तक, तो आप जल्दी से जल्दी डालिए। तो मैंने उन लोग को बोला कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो पाया। प्रॉब्लम्स ये थी कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ मैं पहले रहता था, जहाँ पे ये सारा काम चल रहा था, वहाँ से मुझे शिफ्ट हुई, किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। जब नई जगह गया तो वहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहा, सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी डिले पर डिले होता जा रहा था। तो अब फाइनली सब कुछ पूरा हो चुका है और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। मैं आपको रेगुलर आपको नई कहानियाँ, कविताएँ, गज़लें और भी बहुत कुछ प्लान कर रखा है। धीरे धीरे इस चैनल पर आता जाएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी वजह जो आपके सामने आने की है वो ये है कि मैं इस चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। चैनल का नाम चेंज इसलिए किया जा रहा है, किताबी कीड़ा द बुक ट्यूब। बुक ट्यूबिंग वाले काम के बारे में मैंने सोचा था पर कभी बुक ट्यूबिंग मैंने करी नहीं। बुक ट्यूबिंग बेसिकली होता ही है कि हम लोग बुक्स का रिव्यू करते हैं, पर मैंने बुक्स का रिव्यू ना करके मैं आपको ऑडियोज प्रोवाइड करता था या स्टोरी सुनाता था। तो मैंने सोचा फिर किताबी कीड़ा नाम से यूट्यूब पे दो तीन चैनल और है, तो मैंने इसका चैनल अब चैनल का नाम बदल के हम रख रहे हैं सिद्धिव्या स्टूडियोज़। जो सिद्धिव्या स्टूडियोज़ की है कि मेरे जितने भी पॉडकास्ट हैं और भी कहीं पे भी है तो मेरा यही नाम है, तो मैंने कहा इसी नाम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग सिद्धिव्या स्टूडियोज़ को, और इसी नाम से चैनल है क्योंकि इसमें हम स्टूडियो वाले ही काम करेंगे, स्टूडियो वाला ही काम करेंगे। मैं आपको पोएम सुनाऊंगा, मैं आपको कविताएं सुनाऊंगा, गज़ल सुनाऊंगा और कहानियां सुनाऊंगा, और भी कई चीज़ें जो स्टूडियो में करने वाले काम होते हैं, जो और भी कई चीज़ें हैं जो स्टूडियोज़ में हम लोग करते हैं। तो वही मेरा होम बेस्ड स्टूडियो है, उसी पे जो मैं बना सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और इतने दिन जब मैं नहीं आया, आप लोग से दूर था, तो उस पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, ठीक है। बहुत ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी जिससे आपके लिए कहानियों की कोई कमी नहीं रहेगी, और आने वाले इस पे आपको नई तरह की सीरीज़ और नई तरह के शोज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो धीरे धीरे आएगा। एकदम से अभी आज रिवील नहीं करते हैं, वो कहते हैं धीमी आँच पे पकता है चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो वैसा ही आपको मिलेगा। इस वीडियो के बाद में आपको मिलेगा दिल्ली दरबार का ट्रेलर। दिल्ली दरबार सत्य व्यास की लिखी हुई कहानी है, और कई लोगों ने कमेंट किया मुझसे दिल्ली दरबार के बारे में, और वो चाहते थे। वैसे तो मैं बागी बलिया करना चाहता था, पर आप लोग के कमेंट की वजह से मैं दिल्ली दरबार लेकर आया हूँ, और दिल्ली दरबार को का ट्रेलर मैंने बनाया। इस वीडियो के साथ ही अटैच है दिल्ली दरबार का ट्रेलर। मैं आप चाहता था कि आपको वीडियो को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो इसलिए मैंने अपने स्किल्स को डेवलप करके उसे थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप देखें और बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा। और जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यूट्यूब हमें एक चीज़ बताता है कि यूट्यूब के जब मैं स्टेट्स देखता हूँ तो उसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिलती है इस तरह से, ताकि तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर से कम। तो मैं चाहता हूँ, मैं आप लोग सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पसंद आते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। चैनल की ग्रोथ होगी तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए ला पाऊँगा। तो ज़्यादा आपको अपनी तकलीफें ना बता के आपके हवाले करता हूँ दिल्ली दरबार का ट्रेलर, देखिए। अरे आगे बढ़ना, क्या बात है भाई, बड़ा लंबा जाम है, कुछ हो गया क्या? लगता है भैया पहली बार दिल्ली आए हो। ये दिल्ली का ट्रैफिक है भाई, रेड लाइट है। इतनी देर तक रेड लाइट, ये भी कोई बात हुई? अब अंबेडकर नगर BRT में तो ऐसा ही होता है। अच्छा कब आए हो दिल्ली? बस आज ही आया हूँ, कल से जॉब ज्वाइन करना है ना, बड़ा अजीब शहर है। अब जैसा भी है भाई, ऐसा ही है दिल्ली, छोटे शहर के छोटे सपनों को
विस्तार देते शहर का उनवान है दिल्ली, खाना बदोशों के मजमे का मैदान है दिल्ली। यहाँ खाना बदोश कई शक्ल में आते हैं, मजदूर, मजबूर, खरीदार, बीमार और सबसे ज़्यादा बेरोजगार आपकी तरह, और दिल्ली को आबाद करते रहे। दिल्ली ने भी सबको बराबर जगा दी, तभी तो कहते हैं दिल वालों की दिल्ली। हाँ वो तो है। अरे इस दिल्ली में हमने क्या नहीं देखा, लोगों को बनते देखा और बिगड़ते भी, प्यार, नफरत और पता नहीं क्या क्या, लाखों कहानियां इस शहर की। आपको कोई कहानी याद हो तो सुना दीजिए, तब तक टाइम पास भी हो जाएगा। कहानी तो है भाई साहब, आपकी तरह ही छोटे शहर से आए दो लोगों की, एक तो राहुल मिश्रा, एक उनका दोस्त मोहित। राहुल जहाँ हर वक्त फ्लर्ट करता, वही मोहित काफ़ी सीरियस। वैसे ये कहानी परिधि की भी है, ईस्ट दिल्ली की लड़की और उसके और राहुल के प्यार की, राहुल के जुगाड़बाजी दिमाग की और पता नहीं क्या क्या। कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, अब सुना भी दीजिए। कहानी सुनना है तो थोड़ा वेट कीजिए, अगले रेड लाइट पे सुनाएंगे। सुनिए सत्यव्यास की ब्लॉकबस्टर कहानी दिल्ली दरबार, सिर्फ मेरे यानी सिद्धांत के साथ सिद्धिव्या स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर और अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।